genuine students, hope you all are fine. So students, हम लोग food production की class में part B कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने first chapter पढ़ा था, hospitality sector देखा था. Now in this class we will study chapter number 2, that is career opportunities. Career opportunities हमारे किन-किन fields में हैं. So सबसे पहले जो हमारी career opportunity आती है, that is hotel industry. होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, हमें कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है या हम अपने हिसाब से अपनी स्किल के हिसाब से. सो दैट इज फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर, क्वालिटी मैनेजर, पब्लिक रिलेशन कोऑर्डिनेटर, गेस्ट रिलेशन मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव शेफ्स, इनके एकोमेंडेशन मैनेजर एंड एक्सेप्ट दिस देयर आर द अदर एरियाज ऑल्सो दैट फ्लोर इंचार्ज, फ्लोर सुपरवाइजर्स, रेस्टोरेंट मैनेजर, दैट योर एकोमेंडेशन मैनेजर एंड देयर फील्ड्स. सो योर इवेंट इंचार्जेस ऑल्सो कम्स इन दिस. देन द नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी इन द एलाइड एरिया इज ट्रेवल एजेंसी, फूड क्रिटिक्स एंड राइटर्स, रिटेल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो हम आज इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. So for that, let's see the slide. So students, right now I told you the different fields of in a job for in food production. हमने अभी देखा कि food production क्या के different areas जहाँ जहाँ job opportunities हैं, तो हमारा career कहाँ से है, कहाँ तक जा सकता है. So let's see this. So the hospitality sector is renowned for the variety of opportunities it unfolds. जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको बहुत वैरायटी मिलेगी. इट मेक्स अ पर्सन प्रोफिशिएंट इन बोथ नॉलेज एंड स्किल्स. आपकी नॉलेज भी है और आपकी स्किल के लिए भी. मींस अगर मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मेरे पास वहाँ की भी बहुत सारी फील्ड्स हैं. अगर मेरा मन फील्ड नहीं, मैनेजमेंट में मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मेरे पास वहाँ पर भी बहुत सारा जॉब है. या मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ, मुझे डेकोरेशन इवेंट्स अरेंज करना, तो मेरे पास उसमें भी जॉब है. सो देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट प्रोवाइडिंग नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो सर्विसेज दैट आर एम्ड एट अटैचिंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द पब्लिक, दस वाइडिंग द होरिजोन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो देयर आर द फॉलोइंग सेक्टर ऑफर वेरियस पोजिशंस. सो नाउ द फर्स्ट वन इज होटल इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री नॉट ओनली रिक्वायर कलनरी स्किल्स बट ऑल्सो पर्सनल इन द फूड एंड बीवरेज आउटलेट्स, मेंटेनिंग न्यूट्रिशन, क्वालिटी कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल. सो स्टार्टिंग फ्रॉम फोर मेन डिपार्टमेंट्स द जॉब ऑफर्स आर, यानी कि अभी जो आपने चार मेन पढ़े, फूड एंड बीवरेज आउटलेट्स, मेंटेनिंग न्यूट्रिशन, क्वालिटी कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इनमें जो जॉब ऑफर्ड होते हैं दे आर द फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर, क्वालिटी मैनेजर, पब्लिक रिलेशंस कोऑर्डिनेटर्स, गेस्ट रिलेशंस मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव शेफ्स एंड एकोमेंडेशन मैनेजर्स. सो लेट्स सी व्हाट आर देयर प्रोफाइल्स. फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर्स, दे आर ट्रेन्ड टू परफॉर्म चेक इन एंड चेक आउट, रिजर्वेशंस, गेस्ट फोन मैसेजेस एंड एनी अदर स्पेशल रिक्वेस्ट. यानी कि उनको ट्रेन किया जाता है, उनका जो वर्क होता है वो होता है कि गेस्ट कब चेक इन कर रहा है, कब चेकआउट कर रहा है, यानी होटल से कब छोड़ करके जा रहा है, उनका रिजर्वेशन मतलब उन्होंने पहले से बुकिंग करा रखी है कि नहीं, गेस्ट के लिए कोई मैसेज आया है फ़ोन पर वो, और एनी अदर स्पेशल रिक्वेस्ट अगर गेस्ट ने कोई अदर स्पेशल रिक्वेस्ट करी है. नाउ द क्वालिटी मैनेजर, He should ensure that the operation of the hospitality sector and customer service standards are being met. Yani ki har tarike se har field mein, yani ki aap jab aap front office mein bhi unse milte hain to bhi wo aap se bahut acche se baat kare, jo bhi cheeze aapko serve ki ja rahi hain wo bhi bahut acchi ho, quality maintain karke rakhne ka kaam inka hota hai in all the standards. Public relations coordinators, he or she maintains relationship through emails, phone calls, etc. to offer prompt and efficient services to keep the customer loyal to the company.
सो दीज वर मेंटेनिंग द रिलेशन विद द कस्टमर. अब ये आप किससे हो सकता है, आपने मेल भेजी या आपने कोई कॉल किया उसे वो अटेंड करते हैं, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी वो दे रहे हैं, आपको अपने होटल के लिए या जहाँ पर आप आना चाह रहे हैं उसके लिए आपको प्लीज़ उनकी बातों से अपनी नई नई स्कीम्स बता करके कि अगर आप इस टाइम पर आएंगे तो आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको कुछ टैरिफ्स मिलेंगे, जैसे कि आपको हो सकता है कि आपके रूम की बुकिंग के साथ आपका ब्रेकफास्ट फ्री हो जाए, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं. सो दे आर द डिफरेंट स्कीम्स एंड दे वर मैनेजिंग द रिलेशन विद द कस्टमर्स. गेस्ट रिलेशंस मैनेजर, ही और शी हैज़ टू इंश्योर दैट द गेस्ट यूटिलाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंपनी. नाउ फूड एंड बीवरेज मैनेजर्स, ही और शी हैज़ टू कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द फूड एंड बीवरेज आउटलेट ऑफ द होटल. यानी कि जो भी खाना, जो भी आपको ड्रिंक सर्व किए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रख लें कम्प्लीटली, एंड जो भी फूड बन रहा है वो प्रॉपरली आपको अच्छी तरीके से सर्व हो. सो ही हैज़ टू कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज, और उनको पूरा वो ऑर्गेनाइज कराना होता है कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा. नाउ एग्जीक्यूटिव शेफ, ही और शी हैज़ टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द फूड एंड लुक्स constantly into the food cost to control expenses and privileges. यानी अब इनका काम क्या है, एक तो quality maintain करके रखना. अब ऐसा तो नहीं है अगर हमारा महंगाई जिसे बोलते हैं वो बढ़ जाए तो एकदम से हम खाने के product की को नहीं बढ़ा सकते. सो वो कोशिश करते हैं how to maintain it, ना ही हमें बहुत ज़्यादा cost बढ़ानी पड़े food cost, और वो चीज़ हमारे budget में भी आ जाए. क्लियर? सो दे वर गोइंग टू मैनेज दिस, वॉट दे शुड एड मोर इन दैट, कि विच इज़ जो मार्केट में चीप है, जिसकी कॉस्ट कम है, हम उसको ऐड कर लें उसके साथ, और जो चीज़ हम ज़्यादा डालते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए जब प्याज बहुत महंगा हो जाता है तो एकदम से क्या सब्जियों के रेट होटल वाले इंक्रीज़ कर देते हैं, नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है बट दे मैनेज इट. सो हाउ दे मैनेज इट, कैसे वो कॉस्ट को मेंटेन करके रखते हैं, सो यू विल गेट ऑल दीज थिंग इन दैट. Now the next is accommodation manager. So their job is to look into the housekeeping department and other public areas. इनका काम क्या है, housekeeping, यानी कि आपको जो room मिल रहा है वहाँ पर सारी cleaning हो रही है कि नहीं, बेडशीट proper तरीके से बदली जा रही है कि नहीं, साफ़ करने आ रहे हैं कि नहीं, towels provide की जा रही हैं कि नहीं, whatever the thing is needed, whatever they have told, that has been fulfilled कि नहीं, वो सारे एरियाज़ को चेक करते हैं. आपका हो सकता है कई बार रूम में जाइए तो आपका जो टीवी है स्मार्ट टीवी वर्क ना कर रहा हो, या सॉरी एसी सही से काम ना कर रहा हो, सो यू कैन कॉल देम एंड दे विल फुलफिल द नीड ऑफ योर्स वट एवर दे हैव गिवन एज एन एकमेंडेशन. नाउ अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि हमें और कौन से फील्ड्स मिलते हैं, जैसे कि जहाँ पर हमारे हमको जॉब मिल सकता है, दे आर द रेस्टोरेंट मैनेजर्स, वेटर्स और हेड वेटर्स, सॉस शेफ, शेफ इन चार्ज ऑफ ईच डिपार्टमेंट्स ऑफ किचन. अब एक किचन में ऐसा नहीं है कि एक ही किचन में सारी चीज़ें बनती हैं, कभी चाइनीज़, जापनीज, क्योंकि वी वर हैविंग अ डिफरेंट कुजीन, अमेरिकन, स्पैनिश, इंडियन, इंडियन में भी लॉट्स ऑफ वेराइटी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन एंड समवेयर द नॉन वेज. सो एवरी डिपार्टमेंट हैज़ इट्स शेफ इन चार्ज, उसका इंचार्ज होता है उस डिपार्टमेंट का, और जो उस टाइम पर जो भी कुकिंग हो रही होती है उसको देखता है. कमेंस, डेस्क ऑपरेटर, फ्लोर सुपरवाइजर, ट्रेनिंग मैनेजर्स, सो देयर इज़ अ वास्ट एरिया ऑफ अ फूड प्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट इज कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन एलाइड एरिया. सो दिस इज द जॉब एरिया इन होटल इंडस्ट्री. अभी हमने होटल इंडस्ट्री देखा, अब हम देखेंगे ट्रेवल इंडस्ट्री. नाउ ट्रैवल इंडस्ट्री इम्प्लाइज योर मेजर ग्रुप, एयरलाइंस, रोडवेज, रेलवेज, शिपिंग. द सर्विसेज ऑफर्ड बाय दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफर वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज. द फर्स्ट वन इज ट्रैवल एजेंसी मैनेजर. नाउ व्हाट दे डू, दे सेल हॉलीडेज एंड ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स. यानी कि वो आपको पैकेजेस बताएंगे, आपको इंटरेस्ट डेवलप करेंगे कि आप उनका प्रोडक्ट, यानी कि वो आप पैकेज ले लें जाने के लिए, आप कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, वो दे विल टेल यू एवरीथिंग. नाउ इनबाउंड और डोमेस्टिक ट्रैवल ऑपरेटर, आउटबाउंड ऑपरेटर, एयर टिकटिंग ऑफिसर,
forex officer, guest relations officer, catering manager, airline steward or flight attendant, industrial canteen manager, MICE operator, event coordinators. नाउ रिटेल इंडस्ट्री, ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपके चैप्टर नंबर वन में बताया था. तो दिस फास्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी एज दे लुक टू केटरिंग पर्सनल इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. सो दे आर ऑल्सो गेनिंग पॉपुलैरिटी एज दे लुक टू केटरिंग पर्सनल इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. आई मीन इनकी कैटेगरीज क्या है? स्टोर मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, सेल एसोसिएट्स, सेल एग्जीक्यूटिव, शिफ्ट मैनेजर्स. सो यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स इन योर वेयर एवर यू आर गोइंग टू परचेज थिंग्स इन अ रिटेल मार्केट. रिटेल मार्केट मीन्स इज नॉट दैट दैट यू आर गोइंग इन अ वेयर इज द बल्क थिंग्स यू आर परचेजिंग. यू आर गोइंग टू द रिटेल इंडस्ट्री का मीन्स लाइक बिग बाजार, यस विशाल मेगा मार्ट. सो यू आर गोइंग देयर एंड यू आर फाइंडिंग देम. The customer relationship officer desk solving problem, store manager सामान आ रहा है वो store कराने का काम है, sale associate, sales executives, shift managers. Now food critics and writers. So this I think you like it, that this is the thing in which the person has to taste different types of dishes. And you have were writing about them or you were criticizing them, you were writing what they have used. So this is a platform for discussing the food served in various restaurants, which can prompt the food or can be detrimental as well. As you have seen in the news channel, there is a person, her news channel nahi, there are the some news channel ki aapne dekha hoga, person is just going on different places and just telling you the food, special food of that area, कि वो कहाँ बनता है कैसे सर्व होता है, स्पेशलिटी क्या है उसकी. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. सो सम राइट अबाउट द प्रिवलिंग फूड ट्रेंड्स एंड इंटरव्यूइंग पर्सनैलिटीज हु आर सक्सेसफुल इन देयर करियर. दे चर्न आउट सीक्रेट रेसिपीज, दे आर वेल वर्स्ड इन द कुलिनरी आर्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूट देयर फाइंडिंग टू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड मीडिया. ये उनका इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, पूछते हैं कैसे बनाए, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होती है. जब नॉलेज होती है खाने के बारे में, तभी हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप. सो एंटरप्रेन्योर्स आर द फाउंडर एंड द ओनर ऑफ अ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस. मोस्ट टिपिकली अ होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट्स, फास्ट फूड, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल केटरिंग. ही और शी इज द पर्सन हु रन द बिजनेस एंड ऑल्सो डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कीप द वेंचर गोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम बिफोर ही स्टार्ट एक्सपैंडिंग हिज बिजनेस. अब वो क्या हो सकता है? वो हमारा रेस्टोरेंट भी हो सकता है, हमारा रिसॉर्ट भी हो सकता है, हमारा फास्ट फूड भी हो सकता है, हम केटरिंग स्कूल भी खोल सकते हैं. सो दे आर द डिफरेंट वेज एंड वी वर जस्ट रनिंग अवर ओन बिजनेस. हमारे पास बिजनेस के आइडियाज़ हैं. तो हमारा यहाँ पर इंटरप्रेन्योर में एक और चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ द इवेंट मैनेजमेंट. हम अपने इवेंट्स, किसी के भी कोई भी फंक्शन को हम अरेंज कर रहे हैं, कैसे अरेंज करेंगे, क्या होगा उसमें, क्या आएगा, क्या चीज़ खाने को मिलेगी, कैसे हम अपने बेवरेजेस यानी कि स्टार्टिंग में स्टार्टर्स और ड्रिंक्स क्या सर्व करेंगे, क्या चीज़ें आपके मेन कोर्स में होंगी, स्वीट. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द होल थिंग इन एवरी इवेंट्स. नाउ द समरी ऑफ दिस चैप्टर. अब मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ इन अ शॉर्ट व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, दैट द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज so vast, it offers a wide range of job opportunities from the skilled level to management level. हम skill level से लेकर के management level तक हमें job provide होता है. This sector opens the door for a person to become an entrepreneur, which bring out the creativity of a person. वो हमारी creativity बाहर लाएगा. Food critic
yet another field which is gaining a lot of popularity and encourages healthy competition within restaurants for improvement. Thus, the hospitality sector is one of the many untapped industry and unfolds many jobs opportunities for all. So I think, class, this topic is clear to all of you. Now you people were having a knowledge that the subject which you were studying, यानी कि आप फूड प्रोडक्शन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका आपको पता चल गया, उसका एरिया, आपका कैरियर जो भी है, आप जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी अप्लाई करेंगे या उसको देखेंगे तो आपको पता है कि आपके लिए कितना बड़ा एरिया है. हमको अपनी स्किल, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हमें उसमें जाना है तो भी है. हमारा अगर मैनेजमेंट की तरफ रुझान है तो हम मैनेजमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं. सो इट इज़ गिविंग यू द वास्ट एरिया. हम अपना बिजनेस खुद भी कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ वास्ट एरिया ऑफ फूड प्रोडक्शन. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. थैंक यू क्लास. स्टे होम, स्टे सेफ.